और ये वाला शेड लगा कर देखूंगी कैसा लगेगा इसको, मैं आज ही लगाऊंगी फर्स्ट टाइम। हम सब जा रहे हैं ओखला बाजी के घर, और ये आयत देखो पानी की बोतल लेकर जा रही है, और ये पीछे अम्मी हैं, और ये देखो मेरा न्यू बैग, आज मैंने अपना न्यू बैग लेकर जा रही हूँ, और हम देखो कितना खुश हो रहा है। और गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है तो इसलिए हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। मेरी तरफ देवानंद का फैन है ये गाना आयत ने चलवाया था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मुझे भी बहुत पसंद है। और भाभी आपको है अशरफ भाई आ गए। फ्रेंड्स यहाँ का ट्रैफिक दिल्ली का मतलब इतना है ना कि बस क्या बताऊँ, कहीं जल्दी जाना चाहे ना हम जा नहीं सकते। ये देखो कहाँ तक है, इतना आगे तक। और अशरफ भाई देखो कैसे बोर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ना इनके बार बार गाने बंद करा रही हूँ वीडियो के लिए, इसलिए अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी यहाँ से निकलने में। फ्रेंड्स तिरंगे की ना बात ही कुछ और है, इसको देख के ना दिल खुश हो जाता है। फ्रेंड्स ये स्टेडियम है और ये ओखला के रास्ते में ही पड़ता है, और वैसे मैं कभी गई नहीं इसके अंदर। भाभी आप गई हो? मैंने भी सुना है मैच होती है। अच्छा अशरफ भाई तो जरूर गए होंगे। नहीं यार, अरे यार कोई भी नहीं गया, चलो किसी दिन जाएंगे कभी ऐसा मौका मिला तो। हम पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं अलीजा की गली में घर के पास, और अलीजा की कॉल आई थी रास्ते में तो मैंने ना उसको मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही, तो अब मुझे उसका रिएक्ट देखना है कि वो कैसा करेगी। खाला अलीजा खुश हो गई। अरे वाह खुश हो गई आप मुझे देखकर। हम लोग पहुंच गए बाजी के घर और बाजी है अंदर। हेलो टाइम लगेगा। अम्मी भाई देखो अम्मी को क्यों पटा रहे हैं, क्या कह रहे हो अम्मी से? अम्मी मेरे साथ गांव चल रही हो। अच्छा अभी तो आए हो गांव से, ये लड़का देखो इधर से उधर इधर से उधर। और ये बाजी की न्यू एलईडी आई है, और अलीजा बड़ी खुश है, इसको खुश हो है। जा रहे हैं बाहर, बाजी ने भेजा है किसी काम से। और क्या चाहिए आपको? जैम्स। और हमें ये भी लेने थे राम लड्डू, ये तो हमें बहुत ही पसंद है यार, अलीजा को भी है। कि मैं नहीं आ रही, आपको कैसा लग रहा था? मुंह से बोलो। अच्छा नहीं लग रहा था, और जब आपने खाला को देखा फिर अच्छा लगा था? मैं मजाक कर रही थी अलीजा से, मैं आपको रिएक्शन देखना चाह रही थी। हम लोग आ गए सामान लेकर, और भाई सामान पूरा है जी। अच्छा हाय हेलो कर लो। हेलो और ठीक है, चेक कर लिया तुम? हाँ जी। चलो अपनी बाजी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हम लेकर जा रहे हैं अंदर नाश्ता, और ये मेरे बाल देखो उड़े सूड़े से। लो नाश्ता खाओ। ये लो, हम लोग इसके इतने बड़े फैन थे राम लड्डू के। ये देखो पहले सबसे पहले यही खत्म किया है हम लोगों ने, सब कुछ ऐसे ही रखा है। मैंने नहीं खाया। कम झूठ बोलो, मैंने नहीं खाया। इनके हिप्स देखो। वो किसी और के, हाँ वो बाजी ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं और फूफो रहती हैं ऊपर, तो अब हम सब जा रहे हैं ऊपर फूफो से मिलने के लिए। और ये देखो बच्चों की लाइन लगी हुई है, और अम्मी और भाभी तो सबसे पीछे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम फूफो, नया आप ठीक हो? ये मुंह पे क्या हो गया सच में? मम्मी और फूफो बात कर रही हैं। नो नो डोंट टच। ये हम आ गए नीचे, सब अभी ऊपर है, मैं ही आई हूँ। आ गई मैं। क्या बना रही हो बाजी? कोरमे की प्याज है। अच्छा बाजी बना रही है चिकन कोरमा, और इसमें क्या है? और ये बिरयानी। अच्छा अच्छा बिरयानी। इतने बाजी और काम कर रही हैं, तो मैं ये उनका लहसुन छील देती हूँ, थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाएगी।
पुलिस पुलिस हो रही है, ये कमेटी वाले हैं, मतलब जो रोड पे जो वो लगा लेते हैं फड़ वगैरह, तो ये सब खाली करा रहे हैं, तो कितना रश हो रहा है ना यहाँ पे। ये पसीने में हो गए, साइड होना थोड़ा सा। भाई को लेना है लोअर, तो हम इसलिए आए लोअर की शॉप पर। नहीं है भाई के मतलब का नहीं है। मुझे चाहिए थी एक लॉन्ग कुर्ती, तो हम लोग मार्केट के लिए चले गए। मुझे पैंट वगैरह भी लेनी थी और भाई को अपना कुछ सामान लेना था इसलिए। लेकिन मुझे यहाँ पे ना प्रिंट बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस तरीके की मुझे चाहिए थी लॉन्ग एंकल तक, वो नहीं मिल रही थी मुझे। तो हम अंदर शॉप पर आ गए, भैया कहने लगे चलो अंदर दिखा देंगे वहाँ पे और अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे सारा अच्छा कलेक्शन था, ये मुझे पसंद भी आई थी और लॉन्ग भी थी, लेकिन जितनी मुझे लॉन्ग चाहिए थी ना ये उतनी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे और देखने लगी लेकिन मैंने नहीं ली, मुझे पसंद नहीं आई। यहाँ पर सारे मतलब जितनी भी दुकान है ना, यहाँ पर सारी शॉप और मतलब टी शर्ट नाइट यही है। और हमने डिनर कर लिया, डिनर करके बैठे हैं। इतनी तेज भूख लग रही थी ना, पूरी मार्केट में घूम घूम के भूख लगने लगी थी। और हम चाची के यहाँ पे गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग उनसे भी मिलकर आ गए। और अम्मी झूला झूल रही है, अम्मी को शायद बचपन याद आ गया। अम्मी कैसा लग रहा है बैठ के? हाँ, और ये बाजी का इतना अच्छा झूला है ना, मतलब इस पे बड़े भी बैठ सकते हैं और बच्चे भी। ये देखो, ये पैंट लाई हूँ मैं, और इसके अंदर लोअर है अशरफ भाई का और टी शर्ट। हाँ, जो वो है ना पिंक वाला, उसके लिए। और ये अशरफ भाई का लोअर टी शर्ट, पता है कितना घूमे इसके लिए हम, जब चाची के यहाँ जा रहे थे ना तब मिला था। हाँ, इसका टी शर्ट का और उसका लोवर का भी, लेकिन टी शर्ट का तो बहुत ही अच्छा है। ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और मैंने प्रॉमिस किया है इसके बर्थडे पे ना मुझे डॉल वाला केक लाना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बाजी लाइए चाय, खाने के बाद चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। और देखो इस पे लिखा है कॉफी, मतलब कॉफी के कप में मैं चाय पी रही हूँ, धोखा। उधर देखो वो पी रहे हैं बैठे हुए, इनकी तो इन्हें तो चाय बहुत पसंद है, इन्हें तो चाय दिन रात दे दो। तो ये देखो अलीजा मुझे देखती रहती है बस। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, ठीक है बाजी, अल्लाह का ध्यान रखना, ठीक है। और ये बाजी ने हमें खाना दिया है पैक करके, और ये देखो अलीजा मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही है, घर तक जा रही है। चल चुके हैं घर के लिए और हम जा रहे हैं घर। अभी कितना टाइम हो रहा है भाभी? 10:30। और आयत कहाँ गई? और ये देखो मतलब आइसक्रीम के लिए कितना रो रही थी, अब खुश हो आयत? फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए, अब बस चेंज करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल। ये अनवर भाई पूरा स्टोरी घर पे ले आए क्या? माशाल्लाह से पूरी पेटी में जूस ही जूस है। और ये बिस्किट इतने सारे क्यों लाए हो? ये हम लाए हैं बस ऐसे ही खुशी में माशाल्लाह। अल्लाह और दे आपको, आप और पेटियां लाओ। और ये सेवा देखो, सब देखने में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और आज जुमा भी है। तो अभी सुबह सुबह के टाइम हम लोग जा रहे हैं अरियान के वैक्सीन लगवाने के लिए। अभी अरियान खुश होकर जा रहा है, अभी रोएगा आगे जाके। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए, अभी थोड़ी देर पहले ही आए। और मैं आते हुए ना वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि अरियान इतना रो रहा था ना, उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये अलमारी ना पापा की है और ये यहाँ पर भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ऊपर ले जाके ना ये काम में आ जाएगी, इसके अंदर कपड़े वगैरह रख लेंगे। और ये सारा जितना भी है पापा का सामान है। और ये छतरी, ये इसका तो मैं बड़ा प्यार करती हूँ, ये पापा लाए थे देहरादून से। और अम्मी, इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये देखो मुझे कितना पुराना फोटो मिला, ये मैं ना 9th क्लास में थी जब ये लाडली फॉर्म के लिए ये फोटो कैप्चर कराई गई थी। मतलब यार पापा, मतलब पापा जैसा ना कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने मतलब मेरी कितनी सारी चीजें संभाल के रखी हुई है, देखो जो मेरी है सिर्फ। आई लव यू पापा।
फ्रेंड्स अलमारी खाली करने में कितना वक्त लग गया और लाइट भी चली गई है अभी। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और मुझे ये व्लॉग ख़त्म करके यहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट करना है। और मैं आगे जो अभी करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, सब कुछ मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।